हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आयरन केमिस्ट्री पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चर के बारे में जो होमोमर्स है और डाइस्टियोमर इनेंसियोमर्स है, तो उसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपका पहला जो है आपका फ्लाइंग वेव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड एंड सायनोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि फ्लाइंग रिप्रेजेंटेशन कौन सा है ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड, यानी यह जो एल्डिहाइड दिया है यानी एल्डिहाइड सायनोहाइड्रेट दिया है, उसका कह रहा है कि ये कौन सा फ्लाइंग जो है बेस रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसको हम पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये यहाँ के ऊपर, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम ये क्या है आपका फ्लाइंग बेस है, इसे हम फिशर में लेके आते हैं। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर अगर बात करें तो यह देख रहे हैं इन्वर्टेड भी है, तो इन्वर्टेड भी है तो इसको क्या करना है, देखना है। इसके बाद इसको ऐसे पकड़ के खींच देना, आप खींचोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका लेफ्ट में आ जाएगा यानी CH3 और उसके बाद ये, यानी पहले आपको क्या करना है इन्वर्टेड भी देखना है, इन्वर्टेड भी, और इसको इधर खींच देना है, इसको इधर खींच देना है, दोनों क्या हो जाएगा आपका प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे उसके बाद क्या है आपका OH जो है यहाँ पर जो सॉलिड में दिखाया गया है उसको हम अबव द प्लेन रखेंगे OH, और यहाँ पर CN जो बिलो द प्लेन है उसको क्या करेंगे CN। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करना है, इसमें कोरिलेट करिए, कोरिलेट करना है। देखिए यहाँ पर आपका H है, ठीक है, तो H के बाद क्या है H है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर CN है, देखिए दूसरे पे CN है, तीसरे पे देख रहे हैं यहाँ पर CH3 है, चलो CH3 है, चौथे पे क्या आपका ये है OH है, OH है। ठीक है, या तो आप क्या करिए ऐसे इसको घुमा दीजिए, घुमा देंगे विद इन द प्लेन, तो ये CH यहाँ आ जाएगा, ऐसे घुमा दीजिए CH3 ऊपर जाएगा और CN यहाँ आ जाएगा, OH हो जाएगा, यानी ये वही स्ट्रक्चर है, यानी सेम स्ट्रक्चर मिल गया, यानी ये सही है। ठीक है, बी वाला हम चेक कर लेते हैं, तो बी को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H है, तो H को ऐसे खींचोगे तो H जो होगा यहाँ आ जाएगा और ये CH3 यहाँ गया। अब जो CN है, CN देख रहे हैं कि आपका एबव द प्लेन जाएगा और OH जो है आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर से चेक करिए, यहाँ पर H है, ठीक है, चलो ठीक है, इसको ऐसे घुमा लो, उल्टा घुमाओ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा लो थोड़ा सा, ठीक है, विद इन द प्लेन ऐसे घुमाओ, तो ये चीज होगा वो यहाँ आएगा, उसके बाद जो है आपका CN आएगा, देखो CN आ जाएगा और CH3 ऊपर जाएगा और OH हो जाएगा। ठीक है, यानी हम चेक करना चाहते हैं तो OH है, OH हो गया। ठीक है, उसके बाद CH3 है, CH3 हो गया, उसके बाद CN है, CN हो गया, H है, H है। ठीक है, यानी सेम स्ट्रक्चर है, यानी A एंड B क्या है वो दोनों सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो मिल गया बोथ A एंड B, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर CH3 है और H है और CN है, तो इसको क्या करना है, ऐसे इसको हम अगर फिशर में दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखाना है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ऐसे देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड भी नहीं है, वी दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ऐसे देखना है तो क्या करना है, जो लेफ्ट वाला होगा अगर वी दिख रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट वाला कहाँ चला जाएगा, इसको जब ऐसे बनाओगे तो ये राइट में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो वी है, ठीक है, एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे है, तो ये वाला जो ग्रुप होगा अभी देख रहे हैं लेफ्ट है, ठीक है, ऐसे घुमाओगे तो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब CH3 कहाँ चला जाएगा, राइट पे। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ वो जो एबव द प्लेन आएगा उसको एबव द प्लेन ही रखना है। ठीक है, और जो बिलो द प्लेन है उसे हमें नीचे ही रखना है। ठीक है, घुमा लो, अब इसमें चेक करो। ठीक है, पहले क्या आपका मान लो CN है, चलो ठीक है CN है, आप अगर इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मान लीजिए CH3 है, CN है, तो CN के बाद आना है CH3। देखो यहाँ पर ये आ गया, यानी गलत हो गया। ठीक है, यानी ये जो है आपका ये आंसर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये गलत हो गया, और ये जो है आपका A एंड B जो है वो आपके फ्लाइंग वेव स्ट्रक्चर है, यानी ये आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर क्वेश्चन नंबर टू है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ मैंडेलिक एसिड आर। ठीक है, तो मैंडेलिक एसिड आर इसका स्ट्रक्चर दिया है फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि इनेंसियोमा है, डाइस्टियोमा है, होमर है या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। क्लियर, तो हम ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास पहली बार, तो अगर वन कायरल सेंटर है, वन कायरल सेंटर दिया है और उसका जो है रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है कौन सा है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि डाइस्टियोमर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता डाइस्टियोमर। ठीक है, तो डाइस्टियोमर का काम खत्म, यानी ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये बात ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, तो कह रहा है कि कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनेंसियोमर है, यहाँ पर होमोमर है और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसको या तो आप क्या करना है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे मानिए pH है, तो यहाँ पर pH हो जाएगा और यहाँ पर COOH है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं OH है। ठीक है, एबव द प्लेन, उसके बाद H है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, RS कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, OH क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा और उसके बाद CO सेकंड जाएगा, ये pH है 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1 से कहाँ जाएंगे 2 से कहाँ जाएंगे 3। ठीक है, तो यानी हमारा जो है यस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था, लेकिन फोर्थ पोजीशन कहाँ, हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका आर। इसको चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया
और ये फोर्थ हो गया, तो वन से कहाँ जाएंगे टू, टू से कहाँ जाएंगे थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा आर, यानी आर आर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये होमोमर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो है अगर वन कायरल सेंट्रल है तो तीन पॉसिबिलिटी होती है, इनेंसियोमर, होमोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि देख रहे हैं सभी आइटम जो है वो एक ही सेंटर पे हैं, ठीक है, यानी इसका जो स्पेशल अरेंजमेंट क्या है आपका सेम है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका इनेंसियोमर, इनेंसियोमर कब चेक करेंगे, ये अगर वन कायरल सेंटर है, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और फिर आर था, अब क्या हुआ दूसरे स्ट्रक्चर में यस हो जा रहा है, या कह सकते हैं पहले स्ट्रक्चर में यस है तो दूसरे में क्या जा रहा है आर आ रहा है, ये किस सेंटर में, वन कायरल सेंटर में, ठीक है, तो हम ये कहेंगे तब इनेंसियोमर होगा। और अगर आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका होमोमर होगा, ठीक है, चलिए, या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, होमोमर हो जाएगा। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो कह रहा है स्टीरियो केमिकल रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसका जो है स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, मतलब ये क्या है आपका होमोमर होगा, डाइस्टीरियोमर होगा, एनेंसियोमर या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करना है, ठीक है, तो पहले तो ये इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के हमें बराबर लाना होगा या इस स्ट्रक्चर को इसके बराबर लाना होगा, तो किसी एक को हमें बराबर लाना होगा, तो क्या करेंगे हम, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर CH3 एसिड जो एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये भी एसिड है, तो ये देख रहे हैं इसका इसका मुंह कह सकते हैं, देखिए ऐसे ये V बना रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अगर देखें तो यहाँ पर इन्वर्टेड V है, इसका मतलब हमें इसको घुमाना होगा, रोटेट करना होगा। आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू आप रोटेट कर सकते हो, तो आप इसको जब रोटेट करेंगे, ठीक है, तो रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, यानी ये सी हो जाएगा, डबल ओ हो जाएगा, ये, लेकिन जब आप रोटेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो इसको नीचे ला रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आप रोटेट कर रहे हो 180 डिग्री विद इन 180 डिग्री आप रोटेट कर रहे हो, सॉरी इसको रोटेट कर रहे हो कहाँ पे, यहाँ पे ला रहे हो, तो ये जो OH हो जाएगा एबव द प्लेन है वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा, तो इसको OH कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा, और ये जो बिलो द प्लेन था इसको आपने जब रोटेट किया, ठीक है, यानी आपने यहाँ से यहाँ लेकर आया, यानी 180 जब रोटेट करेंगे तो जो OH होगा वो कहाँ जाएगा, एबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन जाएगा, ये बिलो द प्लेन है तो एबव द प्लेन जाएगा, तो ये हो जाएगा H, क्लियर, यानी इस कार्बन की बात होगी। अभी इस कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं COH ऊपर है, इसका मतलब है इसको भी आपको रोटेट करना होगा, ठीक है, तो आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, आप रोटेट कर दिए तो ये COH इधर आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो OH दिख रहे हैं अबव द प्लेन है, और तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखना होगा कि हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ड्रा कर लीजिए, एक अबव द प्लेन होगा, एक क्या होगा बिलो द प्लेन। अब यहाँ पर भी बात वही आ रही है कि यहाँ से आपने क्या किया, ऊपर किया, ठीक है, यानी इसको घुमा दिए, और जब घुमाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो होगा यह बिलो द प्लेन जाएगा, और यह एच जो होगा एबव द प्लेन जाएगा, तो यह एच हो जाएगा ऊपर और यह हो जाएगा आपका बिलो। अब देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर को आप मिलाइए, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने आउट ऑफ प्लेन 180 डिग्री रोटेट कर दिया, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, तो वैसे था आपने ऐसे कर दिया, तो जो एबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला गया, और जो बिलो द प्लेन था वो एबव द प्लेन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का कोरिलेट करिए, COH देखिए नीचे है और ये COH ऊपर की तरफ है, ठीक है, सेम है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस कायरल सेंटर पे और इस कायरल सेंटर पे, ठीक है, तो इन दोनों कायरल सेंटर पे अगर हम इंटरचेंज देखें, क्या देखें आपका इंटरचेंज देखते हैं, ठीक है, तो इंटरचेंज देख रहे हैं कि अगर OH है और H, ये क्या है OH है और H है, और यानी OH बिलो द प्लेन है, इसमें देख रहे हैं OH अबव द प्लेन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वन इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, अगर हम एक बार चेंज कर दें यानी H को OH के जगह पर OH को H पे, तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद इस सेंटर पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं H जो है वो अबव द प्लेन है, यहाँ पर क्या जाएगा, यस बिलो द प्लेन हो जाएगा, और OH यहाँ पर देख रहे हैं बिलो द प्लेन है, यहाँ पर एबव द प्लेन है, इसका मतलब है वन इंटरचेंज यहाँ पर भी कर दें यानी घुमा दें, तो हम कह सकते हैं OH यहाँ जाएगा, यस यहाँ जाएगा, यानी ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं टू कायरल सेंटर पे, यानी दोनों कायरल सेंटर पे आपने क्या किया, वन वन इंटरचेंज किया। जब वन वन इंटरचेंज करेंगे तो आप सोचेंगे, ठीक है, तो वन वन स्ट्रक्चर जब कर सकते हैं कि वन वन स्ट्रक्चर वन वन इंटरचेंज कर रहे हैं अगर इच कार्बन सेंटर पे, तो हम कहेंगे वह जो स्ट्रक्चर होगा वह इनेंसियोमर होगा, ठीक है। तो फिर से ध्यान देंगे कि पहले इस स्ट्रक्चर को आपको मिलाना होगा कि सेम तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा, उसके बाद आप इंटरचेंज करेंगे। अगर सभी कार्बन सेंटर पे एक एक इंटरचेंज आ रहा है, यानी वन इंटरचेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वह इनेंसियोमर होगा। या तो आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन से आप बता सकते हैं, तो जब यह बिलो द प्लेन है, ठीक है, सोच सकते हैं कि यह जब बिलो द प्लेन है और यहाँ पर देख रहे हैं अबव द प्लेन है, तो इसका मतलब है कि अगर इसका आ रहा होगा तो इसका यस हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं OH जो है बिलो द प्लेन है,
और यहाँ पर वो चेबाउ प्लेन है, अगर हो सकता है इसका यस आ रहा हो सकता है तो इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं इस टाइप से हम इसके क्वेश्चन को हम दे सकते हैं इंटरचेंज के थ्रू, या फिर आप आर एस कॉन्फिगरेशन से भी आप इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं फिशर रिप्रेजेंटेशन आपका फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, ठीक है, तो फिशर रिप्रेजेंटेशन इसका बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यमी है, बी आर एबल द प्लेन, बी आर एबल द एमयू। ठीक है, तो इसको हमें देखना है कैसे होगा इसका फिशर। तो हमें क्या करना होगा, इस स्ट्रक्चर को पहले जैसे हम लोग फिशर बनाते हैं वैसे हमें लेके आना होगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसको हमें यमी और यमी को क्या करना है, इस टाइप से ड्रा करना है। ठीक है, तो यमी हो जाएगा ऐसे, ठीक, यमी और हो जाएगा आपका यमी। क्लियर? अब क्या करना है, जब इसको आपने यहाँ लाया तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका है, आप यहाँ पर अगर बात करें तो यस जो है वो बिलो द प्लेन है, और यहाँ पर एच जो है ये भी बिलो द प्लेन है। ठीक है, अब इसको जब आप रोटेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब लेकर आएंगे यानी 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, तो यह बी आर जो होगा वो बिलो द प्लेन जाएगा। ठीक है, तो बी आर जो है यहाँ पर ले सकते हैं एबव द प्लेन और ये बी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो बी आर जो है बिलो द प्लेन चला जाएगा और एच जो होगा वो 180 डिग्री पे कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे रोटेट करेंगे तो बी आर जो है ऊपर है तो 180 पे कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और यह नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एच जो होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर भी अगर दूसरे स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप इसको रोटेट कर रहे हो, इसको आपने कोई रोटेशन नहीं दिया है, इसको फिक्स रखा है, तो बी आर ऊपर ही रहेगा और एच जो होगा वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, यानी आपको आप इसको रिस्ट्रिक्ट किए हैं, इसको आप रोटेट किए हैं। ठीक है, एक रोटेट जब आपने किया, ठीक है, तो यमी को जब 180 पे लाए तो ये नीचे आ गया यहाँ पे, और एच जो था वो बिलो द प्लेन ऊपर आ गया, बी आर जो था वो एबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला गया। क्लियर? अब इसको क्या करना है, हमें ड्रा कर देना है। ठीक है, कैसे में, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है ये ऊपर जाएगा, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींचिए, तो यमी जो होगा ऊपर जाएगा और यह यमी जो होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यमी नीचे हो गया। अब जो एबव द प्लेन है यहाँ का, एच वाला टॉप वाले पर एच जाएगा, एबव द प्लेन बी आर, ये दोनों एक साइड में है, एक साइड में रहेगा, और यहाँ बी आर जो है इस साइड में है, और यहाँ पर एच जो है इस साइड में। क्लियर? तो ब्रोकन वाले को हमें लेफ्ट में लिखना है और सॉलिड वाले को हमें क्या है, राइट में लिखना है। ठीक है, और जो यहाँ पे है यानी जो कह सकते हैं यहाँ राइट यमी है उसको टॉप पे, और जो लेफ्ट यमी है उसे बॉटम पे, बस इतना लिखना था। ठीक है, अब इसको देख लीजिए कहाँ पे है ये स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, ये वाला मिल रहा है। ठीक है, आई थिंक ये वाला। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। तो अब बात करते हैं यहाँ पर न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है, तो इसका न्यूमैन स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है, न्यूमैन स्ट्रक्चर कौन सा है इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं न्यूमैन स्ट्रक्चर, तो क्या करना है हमें, इस पॉइंट वाले को हमें क्या करना है, इस टाइप से ड्रा करना है, ये कार्बन से, ये जो कायरल वाला कार्बन है, हमें एच वाले को लेफ्ट में रखना है यहाँ पे, और ये राइट में रखना, सॉरी ये राइट में है, इसका राइट में लेफ्ट है तो लेफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ ओएच हो जाएगा, और ये जो नीचे है इसको नीचे रखना है, पीएच। क्लियर? अब क्या करना है आपको, एक सर्कल ड्रा करना होता है, और उसके बाद ओएच जो होगा उसके नीचे लिखना होगा जस्ट, और इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ये भी लेफ्ट में है, इसको लेफ्ट में लिखेंगे, ये जो राइट में है इसे राइट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एच राइट में, और ये जो पीएच होगा ये टॉप पे है, बॉटम में जाएगा यहाँ पर पीएच। क्लियर? अब ये स्ट्रक्चर को आप मिला लीजिए, तो पीएच पीएच है, ठीक है, एच है, ठीक है। अब देखिए ओएच को हमने कहाँ लिखा, ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमें नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसमें बात करते हैं यहाँ पे, ओएच जो है ऊपर है, एच जो है और उसके बाद पीएच है। ठीक है, यहाँ नीचे वाले कार्बन पे अगर देखें तो पीएच है, ठीक है, उसके बाद ओएच है, उसके बाद एच है। चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया। इसमें अगर बात करते हैं तो ये भी स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलने वाला, यानी जो बी ऑप्शन था वो क्या था, आपका राइट ऑप्शन था। ठीक, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है इनेंसियोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, इनेंसियोमेर चेक करना है इसका जो है कौन सा इनेंसियोमर होगा। तो पहले ये बात ध्यान में रखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इन्हें जिग जैग ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे है, देखिए नीचे सब में है। ठीक है, ऐसे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई परिवर्तन नहीं, यानी हमें आउट ऑफ प्लेन रोटेट नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं या ऊपर है, तो अगर आप इनेंसियोमेरिक देख रहे हैं तो यानी ये जो कायरल होगा ये अगले वाले में कहाँ जाएगा, ये जो बी आर होगा वह बिलो द प्लेन चला जाएगा। यह देख रहे हैं ये बिलो द प्लेन, सॉरी ये बी आर जो है आपका बिलो द प्लेन है, तो वो अगले स्ट्रक्चर में कहाँ जाना चाहिए, एबव द प्लेन, यानी बी आर जो होना चाहिए वह एबव द प्लेन जाना चाहिए। यह जो एच है यह देख रहे हैं बिलो द प्लेन है, अगले वाले में कहाँ जाना चाहिए, वन इंटरचेंज करेगा तो जाएगा आपका एबव द प्लेन। तो ध्यान में रखना है दोनों स्ट्रक्चर कहाँ, दोनों जो बी आर और ओ एच ग्रुप है वो कहाँ जाने चाहिए, एबव द प्लेन। तो देखो यहाँ पर तो ओएस दिया हुआ, बी आर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे
गड़बड़। ठीक है, गड़बड़ क्या है? तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके और इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो बी आर ऐसे घुमा देगा, तो इसको आप घुमाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसको आप ऐसे विदिन द प्लेन 180 डिग्री आप क्या करिए घुमा दीजिए। ठीक है, 180 डिग्री तो ये जाएगा आपका नीचे यहाँ पे, और बी आर जो है आपका ऊपर चला जाएगा। क्लियर, और यह जो वेज हो जाएगा ये आपका नीचे हो जाएगा। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखो मिल रहा है, यानी यह जो है ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, यानी यह इन एनिसोमेरिक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ओ एच और बी आर, देखिए ओ एच जो है वो आपका यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अगर इस स्ट्रक्चर को आप घुमाएंगे तो ओ एच जो है वो क्लियर, लेकिन बी आर जो है यहाँ पर देख रहे हैं ओ एच जो है आपका एवोब बिलो द प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर बिलो, ठीक है, यहाँ पर बी आर जो है एवोब है, लेकिन बी आर इसमें जो है वो बिलो द प्लेन है, ये डाइस्टियोमर होगा। ठीक है, और इसमें अगर बात करते हैं तो ये भी डाइस्टियोमर है। तो अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, तो यह जो स्ट्रक्चर है वह बी एंड डी से क्या है आपका डाइस्टियोमेरिक है। अब इसका बात करते हैं तो यहाँ पर आपने रोटेट करके देखा, ठीक है, तो ये इनेंसियोमेरिक हो गया। ठीक है, या आर एस कॉन्फिग्रेशन से आप निकाल सकते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ओ एच है और यहाँ पर बी आर। ठीक है, तो ओ एच और बी आर को अगर रोटेट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको सेम मिल जाएगा। ठीक, तो यह कह सकते हैं यह होमोमर हो गया, होमोमर हो गया। ठीक है, यह जो है इनेंसियोमर हो गया, और यह जो है आपका डाइस्टीरियोमर होगा, यह भी डाइस्टीरियोमर होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।